ना मोहनजोदड़ो ना हड़प्पा जो हमें बचपन में इतिहास में सीखा वो पीछे पड़ गया है। अब इतिहास पूर्व पुरातत्व शास्त्रज्ञों का ये शोध है कि यही है दुनिया की सबसे पुरानी घाटी, यही हुआ अभिमानों का जन्म और एशिया खंड का पहला किसान भी यही जन्म लिया है, आदिम औरत का जन्म भी यही लिया है। और अधिकांश ये खोज इस पूरे सरदार सरोवर के 214 किलोमीटर के डूब क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। अगर ये उत्खनन भी करना होगा तो 100 साल लगेंगे। ये रोमिला थापर जी, इरफान हबीब जैसे बहुत जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजी कांग्रेस में ठराव पास करके जाहिर किया था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिसर्च खत्म हुआ और राज्य स्तरीय पुरातत्व शास्त्र विभाग ने गोलमाल कर दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नमूने म्यूजियम में रखे हैं बड़ी कसावट में, और जीती जागती जिंदगी खत्म करने के लिए किसी को कुछ लगता नहीं। यहाँ जो आज कपास उगती है काली कपास की मिट्टी में, उस मिट्टी पर आज भवन और पुनर्वास स्थल खड़े कर दिए, 4 महीने के ठेके दे दिए। कोई गया क्या टीन शेड में रहने के लिए? बताइए, किसी मवेशी ने चारा खाया क्या? भोजन शिविर में कोई लोग गए क्या अपने जाने के लिए? करोड़ों रुपए विस्थापितों के स्थायी पुनर्वास के अस्थायी पुनर्वास में खर्च करना एक बहुत बड़ा अपराध और भ्रष्टाचार हुआ है। जिस ठेकेदारों के खिस्से में करोड़ों रुपए दिए हैं, उन्होंने एक प्रकार का पाप किया है। आज इन बच्चों की स्कूलों को चलाने से लेकर जो जो होना चाहिए वो नहीं होता है, और इसलिए आपका नर्मदा किनारे आना, ये पूरी हकीकत देखना, किसान ही नहीं मजदूर मछुआरे कहार कुमार केवट छोटे छोटे दुकानदार सब लोग आज इस धरे पूरे गांव में जिंदा है, जीवित है। और 2008 से कहना चालू किया कि पुनर्वास पूरा हो गया है, जीरो बैलेंस है, कोई बचा नहीं है पुनर्वास करने के लिए। उसके बाद 60 लाख दिए गए कुछ लोगों को, कई अभी बाकी है। 15 लाख दिए गए, कई अभी बाकी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करके केवल एक बात के सुप्रीम कोर्ट का कि 31 जुलाई को गांव खाली करने पड़ेंगे, इस पर उंगली रखकर जो पुलिस लाए गए थे उन सभी पुलिसों को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि हमारे महिलाओं ने गांव वासियों ने बच्चों ने ये कहा कि नहीं खाली करेंगे। क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, जीआरए ने भी नहीं करना चाहिए, जो शिकायत निवारण में बैठे हैं ये आज बात है। नर्मदा किनारे चलते चलते आपको एक ही ऐलान है, आज श्यामा चरण शुक्ला जी की बेटी आई है। आप सब लोगों को नहीं पर कई बूढ़े लोगों को याद होगा कि श्यामा चरण शुक्ला जी ने एक प्रस्ताव रखा था आखिर, क्योंकि माधव सिंह सोलंकी जी और अर्जुन सिंह जी के बीच में जो करार हुआ था उसमें भी ये था कि अगर पुनर्वास संभव नहीं ऐसा लगा तो इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो उसका आधार लेकर श्यामा चरण जी ने प्रस्ताव रखा था कि 19 फीट बांध नीचे रखिए, 19 फीट पानी नीचे रखिए, बहुत सारा विवाद बच जाएगा। उसका पालन आज भी अगर होता है, भले बांध बन गया हो पर पानी कम भरते हैं तो निमार बच जाएगा, जिंदगी बच जाएगी। दिग्विजय सिंह जी का और अमृता जी का यहाँ आना, उनके साथ यादव बहन भी है जो आई है इंदौर से, और बहुत सारे परिक्रमावासी हैं। हम सबका अपने नर्मदा घाटी में स्वागत तो कर ही चुके हैं, बड़दा में भी बलगांव से लेकर वो किनारे हैं, पर मेरा इतना ही कहना है कि इस नदी को और तमाम नदियों को जीवित रखना ये आज का अहम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इस नदी पर अभी 22,000 करोड़ रुपए का जल परिवहन का प्रोजेक्ट निकाल कर नितिन गडकरी जी उमा भारती जी के जगह पर लाए गए हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में बहुत बड़ी साजिश है, 10 लाख करोड़ का होगा प्रोजेक्ट। कंपनियां नदियों पर लक्ष्य बनाकर खेल खेलने जा रही है। हनुमंतैया में मीटिंग होकर अंबानी को यहाँ का पर्यटन का ठेका देने का एकमात्र निर्णय डूबे हुए गांव के माथे पर बोट में बैठकर कैबिनेट ने लिया है। और तो और, सरदार सरोवर का पानी 5,41,00,000 लीटर रोज का गुजरात के इंडस्ट्रीज को जाकर वहां के किसानों को सूखाग्रस्तों को फंसाया है। तो नर्मदा क्या रहेगी अगर ओंकारेश्वर से सरदार सरोवर से ऐसा पानी इंडस्ट्रीज की तरफ उड़ेगा? खेती क्या रहेगी? यहाँ बची हुई खेती को पानी
देंगे कि नहीं ये निश्चित नहीं है, क्योंकि वसाहत में पानी गया है क्या नर्मदा का? नहीं। तो बची हुई खेती में भी नहीं जाएगा। ये आज झूठ बोल रहे कि नहीं हम वो नहीं काटेंगे, पर यहाँ के ट्रांसफॉर्मर उठाए गए, यहाँ की कई जगह की बिजली काटी गई है। एक गांव की हत्या करना और हलाहल पद्धति से कैसा होता है, ये चित्र आज वो हमें दिखा रहे हैं। नदियों को बचाना है तो जग्गी वासुदेव जैसे सद्गुरु नहीं बचा सकते, उनके ऊपर तो कितनी सारी केसेस लगी हुई है, खुद के पत्नी की हत्या की केस लगी हुई है, रिजर्व फॉरेस्ट में आश्रम बनाने के खिलाफ केस लगी हुई है, और वो आज नदियां बचाने के नाम पर 800 करोड़ रुपए एकत्रित करके चल रहे हैं, कह रहे हैं मिस कॉल दे दो और समर्थन दे दो, नदियां बचेगी तो यही लोग बचा सकते हैं जो नदी घाटी में पीढ़ियों से जिंदा है। और आज जैसे लोग इस गाँव में पधार कर जो देख रहे हैं और जो एहसास कर रहे हैं, उसी से यहाँ के मंदिर मस्जिद ही नहीं घर और ये भगवान अल्लाह बचेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जिंदाबाद। थोड़ी सी लंबी बात की, धन्यवाद।